कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्लीज वीडियो पे जो भी न्यू आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और मैंने अपना ब्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया था, तो खाना वगैरह मेरा बन गया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था और सारा पेंट छोटा छोटा सा हो रहा था, मतलब डेली थोड़ा 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 गिरता रहता था। तो मैंने सोचा आज इसको साफ कर देती हूँ झाड़ू से जितना छूटता है। तो मैं दिखाती हूँ मेरे रूम की क्या हालत हो रही है। ये देखिए सारे में मतलब कबाड़े कबाड़ हो रहा है, धूल मिट्टी हो रही है सारे में, क्योंकि इस साइड का जो ये पेंट था ना ये छूटता ही रहता था। तो मैंने इसको झाड़ू से अच्छे से रगड़ दिया है, तो पता नहीं कब होगा, अभी टाइम लगेगा पेंट होने में। तो ये सीलिंग की वजह से, क्योंकि पीछे वो करवाई थी, पापा ने प्लास्टर कराया था, तो डेली तराई करते थे ना, तो उसकी वजह से सीलन की वजह से सारा हट गया इधर भी। तो शोकेस वगैरह मेरा साफ हो गया है, ये देखो कुलीन से मैंने इसको ना अच्छे से क्लीन कर दिया है, अंदर का पेपर वगैरह भी चेंज कर दिया। और इधर ये देखो, ये है मेरी बेटी की फोटो, जब वो 1 साल की थी तब है, तब खिंचवाई थी मैंने अपने घर पे। तो देखो कितनी प्यारी लगती थी, छोटी सी छोटा सा मुंह था इसका। तो पूरा रूम मतलब ऐसे ही गंदा पड़ा है, ये देखो। और टेबल की भी क्या हालत हो रही है। तो मैं करती हूँ पहले सफाई। मैंने सुबह जब दिखाई थी तो ये भरी हुई थी टेबल बिल्कुल, और अब मैंने ये अच्छे से साफ कर दी है और इस पे कपड़ा भी लगा दिया है, तो साफ हो गई। और फोन में चल रही है मेरी वीडियो किसी की। तो ये देखो इनका कंप्यूटर भी मैंने साफ किया है, धूल हो रही थी इस पे। लैपटॉप वगैरह का सामान भी ऐसे रख रखा था इन्होंने, तो सब मैंने उठाया है यहाँ से, लैपटॉप वगैरह इनका बैग में। और देखो सब साफ हो गया, LED पे हाथ नहीं जाता तो वो नहीं की मैंने, बाकी पूरे रूम में मैंने सुबह वो करके गए थे, क्योंकि वहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता तो सुबह ये करा के गए थे इसको साफ। बाकी मैंने किया है, और ये ना बहुत गंदा लगता है, मैं इनको बोलती भी रहती हूँ पेंट करा लो, लेकिन ये कह रहे हैं कि कराएंगे, थोड़ा टाइम दीजिए जब कराएंगे। तो ये देखो बिल्कुल साफ कर दिया बेड भी, वरना सुबह बेड भी बहुत गंदा था। और इधर शोकेस वगैरह सब अच्छे से साफ किया है, और इधर जो ये एप्पल बने हुए हैं और ऊपर जो वे फ्लावर हैं वो सब मैंने हाथों से बनाए थे, अपने शादी के टाइम पे बनाए थे। और वो जो फ्लावर के पास जो रखा है वो मेरे हस्बैंड को ऑफिस से मिला था, ये देखो। काम मेरा हो गया, मतलब सफाई वगैरह सब कुछ हो गई है, और अभी नहा धो के मैं फ्री हुई हूँ खाना वाना खा के। 11:30 बज चुके हैं और आज है कान्हा जी की छठी, तो हमारे यहाँ पे घर के सामने ही नीचे मतलब भंडारा है आज छठी का, तो कढ़ी चावल बन रहे हैं। तो अभी मैं जाती हूँ अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए, और फिर आके आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कहाँ पे मतलब भंडारा होगा। अभी वहाँ पे खाना बन रहा है ठीक हमारे गेट के सामने ही, तो वो सब आके दिखाऊंगी। पहले मैं जाके अपने बेटे को लेके आती हूँ स्कूल से, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाती तो फिर कहता है आप लेट आई हो, जल्दी नहीं आती हो लेने। तो पहले उसको लेके आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मैंने अभी ना आपको दिखाया, गट्टू ना अपने आप से बातें कर रहा है कि तू क्या कर रहा है गट्टू, वो ये बोलता है। फैन चला हुआ था इसलिए उसकी वॉइस ना थोड़ी कम आई है, वरना वो यही बोलता है तू क्या कर रहा है गट्टू,
गट्टू कौन है गट्टू, मतलब ये दो तीन वर्ड इसको आते हैं, गट्टू कौन है गट्टू, तू ही है गट्टू, तू ही है गट्टू, या फिर कहता है तू क्या कर रहा है गट्टू, तू क्या कर रहा है गट्टू, यही बोलता रहता है। और उसके पापा भी अगर सुबह को पूछेंगे कि गट्टू क्या कर रहा है तो कहता है तू क्या कर रहा है, मतलब वो जैसा हम बोल देते ना तू, तो वो वही वर्ड बोलता है तू करके। तो अभी फिलहाल वो प्रैक्टिस कर ही रहा है, हम उसको राम राम सिखाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, अपनी मर्जी से जो उसका मन करता है ना वही वर्ड बोलेगा, राम राम तो वो बिल्कुल नहीं बोलता। और अब ना वो बात करके अपने आप से सो गया है, और जैसे ही मैं बात करने लगी थी तो नहीं बोलता, वो सिर्फ अपने पापा की ही भाषा समझता है मुझे लगता है, हमसे तो वो बात ही नहीं करता। वो नीचे जैसे ही आते हैं इसको पता चल जाता है कि वो आ गए, क्योंकि वो नीचे आते जैसे हल्का सा भी बोल जाते हैं ना तो इसको पता चल जाता है, तो हल्ला इतना मचाता है, इतना चिल्लाता रहता है ये जब तक वो ऊपर नहीं आ जाते, बहुत चिल्लाता है। तो जब शाम को वो आ जाएंगे ना तब दिखाऊंगी आपको इसका चिल्लाना किस तरह से ये आवाज लगाता है उनको। बोलो कौन है ये गट्टू, कौन है ये गट्टू, अच्छी है, कौन है गट्टू, कौन है, कौन है गट्टू, अच्छा आप हो, कौन है गट्टू, जल्दी बताओ कौन है, कौन है गट्टू, क्या कर रहा है गट्टू, क्या कर रहा गट्टू, क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा है गट्टू, खाना खाएगा गट्टू, खाना खाएगा, खाना खाएगा, भूख लगी है गट्टू, भूख लगी है आपको। और जी शाम के खाने में बस मुझे आज रोटी रोटी बनानी है, क्योंकि ज्यादा किसी को खाना नहीं है, सबका पेट भरा हुआ है भंडारे का खाना खा के। तो थोड़ी सी कढ़ी भी रखी है जो कि आई है, मतलब बच गई थी वहाँ पे, बच के आ गई थी, पापा लेके आए थे। और जी थोड़ा सा मतलब नाइट में साग बनाया था वो बचा हुआ है, दोपहर में किसी ने नहीं खाया, सुबह में मतलब वो ये थोड़ा सा पुलाव वगैरह बना लिया था तो बच्चों ने अभी खाया था 4 बजे। तो एक तो सो गया है ये, देखो होमवर्क करा रही थी मैं अभी इसका, और ये सो गया, वो कर रही है अपना होमवर्क, मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि उनका भी टाइम होने वाला है, 7:30 बज गए हैं, 8:15 बजे तक वो भी आ जाएंगे। तो थोड़ी सी रोटी बननी है तो मैं बनाती हूँ रोटी, और जब वो आ जाएंगे तभी इसकी मैं बातें सुनाऊंगी आपको। अभी वो शांत है, वो तभी बोलेगा जब वो आएंगे। और बाहर ना सब औरतें वो गा रही हैं आज कान्हा जी के भजन, तो दिखाती हूँ अगर थोड़ा सा मैं दिखा पाई तो, अभी ऊपर से ही आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ।